किसी के बाबा की दादा की पोती नहीं है। और आज इस खूबसूरत माहौल ने दिखा दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने की ताकत हमारी है। ये आरएसएस, ये जातिवाद किसी से डर नहीं, डिग्निटी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इस जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। आरएसएस के अमित शाह कहने में उसने ये एफआईआर दर्ज किया, देख रहे हो कितनी बेटियां बचा रही है। बलात्कारी लोग हैं ये लोग, आरएसएस के संगी गुंडे लोग हैं ये लोग, कैंपस के अंदर तमाम महिलाओं को छेड़ते हैं। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। और यहाँ आप मेरे पीछे यहाँ पे पूरा जनसैलाब देख पा रहे हो किस तरीके से डॉक्टर ऋतु जो 100 दिनों से ज्यादा धरने में बैठी हुई थी उनका जो है मार्च दोबारा पैदल मार्च निकाल रही है। हाथ में नीले झंडे देख पा रहे होंगे आप इनके, डॉक्टर ऋतु को दोबारा कितना संघर्ष करना पड़ा, पूरा मार्च निकलते हुए दिख रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से उनके जो उनका टेंट वगैरह था जहाँ पे वो धरना प्रदर्शन कर रही थी उनको हटा दिया गया था, उसके बाद दोबारा वो संघर्ष के लिए उतर गई है यहाँ पे और दोबारा जो है पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मैम क्या कहेंगे, दोबारा आपने नीले झंडा जो झंडा है वो पूरे उसमें नीला कर दिया है। ये अंबेडकर का रंग, अंबेडकर की ताकत, अंबेडकर की ऊर्जा जो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए इंसाफ की ऊर्जा है। सब अंबेडकर को इंसाफ के एक समानता के तरीके से देखते हैं और ये इंकलाब पिछली बार की सबके हैं, किसी के बाबा की दादा की पोती नहीं है। और आज इस खूबसूरत माहौल ने दिखा दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने की ताकत हमारी है। जैसे पिछली बार की तरह आपका जो धरना प्रदर्शन है वो पूरा सब हटा दिया गया था, यहाँ पर किस तरीके से सब जय भीम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। यहाँ पूरा पैदल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है, लगातार उन्होंने बोल दिया कि आपको देख रहे हो किस तरीके का नजारा, पूरा जो नीला रंग है वो पूरे उसमें रंग में रंग चुका है। यहाँ पे सबके हाथ में आपको जो बाबा साहब है उनकी फोटो देख पा रही होंगी और यहाँ पे लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। जो पैदल मार्च जो है वो 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 तक जाने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी डर ये है कि जो अमित शाह की पुलिस है इनको डिटेन ना करके ले जाए, क्योंकि 144 धारा के कारण कोई प्रदर्शन जो है वो नहीं करने दिया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन लगातार ये लोग इनके साथ जो है, जो पहले आपको बता दें जो 35 बच्चों को फर्जी बच्चे दिखा के जो निकाल दिया गया था, उसके बाद भी यहाँ पे जो असली बच्चे हैं वो डॉक्टर ऋतु के जो साथ हैं और साथ में समर्थन देने जो है वो उतर आए हैं यहाँ पे। आशुतोष क्या कहेंगे, आपने दोबारा जो है एक बार फिर से संघर्ष के साथ जो मार्च है वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको डिटेन होने का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं डर, ये डिटेन, ये एफआईआर, ये पुलिस, ये प्रशासन, ये संघ, ये आरएसएस, ये जातिवाद किसी से डर नहीं है। डर है बस इस बात का कि हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन आज इस तादाद में डॉक्टर ऋतु की अगुवाई में दिल्ली विश्वविद्यालय पूरा नीला हो चुका है और ये सिर्फ एक जवाब है इस दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को, वाइस चांसलर को, आरएसएस को कि अब हम लोग सहने वाले नहीं है। ये 5वीं रैली बड़ी रैली है, उनको डरा दिया, उनका अंदर का घुस गया। रैली के बाद भी जो प्रिंसिपल है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। देखो जातिवाद बहुत सदियों पुराना है, उसको मात्र छोटे कम उसमें नहीं हरा सकते, उसको हराने के लिए बड़ा संघर्ष की जरूरत है और आज हम ये बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आज हमें दिल्ली विश्वविद्यालय में इस जातिवाद के खिलाफ अपना वो मोर्चा तैयार कर चुके हैं, अपना वो फ्रंट तैयार कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को हराना बेहद जरूरी है, इन लोगों को कैंपस से दूर भगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लोग शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। जब जब शिक्षा बर्बाद होगी तो इस देश के बहुजन बर्बाद होंगे, तो इस देश की शिक्षा को बचाने के लिए ये लड़ाई बेहद जरूरी है। डॉक्टर जी प्रोफेसर को बचाने के लिए बहुत ये लड़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा बचेगी, लोग बचेंगे तो इनका संघ के आरएसएस के आइडिया को रिजेक्ट करेंगे और एक असली आइडिया जो मानवता के लिए आइडिया हो, जो महिलाओं के लिए आइडिया हो, दलितों के लिए आइडिया हो, उस आइडिया को प्रमोट करेंगे। इसलिए कोर्ट में चल रहा है ना, देखो एक बात हमने डिसाइड कर ली है कि जब जब जन आंदोलन तेज होते हैं कोर्ट को भी पता चलता है, क्योंकि लड़ाई है आम लोगों की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है जिसको डॉक्टर ऋतु लड़ रही है और कोर्ट में चल रहा है, मानते हैं इस बात को, लेकिन जनता का विरोध बेहद जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ हो रहा है सब चीज़ तो उन लोगों की है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, पुलिस उनकी है, गार्ड उनकी, हम किस पर भरोसा करें? इसलिए हमको 20% कोर्ट पे लेकिन 80% इन सड़कों पर विश्वास है। कोर्ट पे विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार जो हमारे साथ हो रहा है वो हमको अच्छे से पता है कि जिस तरीके से यहाँ का सब कुछ आरएसएस ने मैनेज कर रखा है, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ उनके हाथ से नहीं बचा हुआ, इसलिए जन आंदोलन बेहद जरूरी है, इसलिए सड़कों पर आना बेहद जरूरी है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पुलिस क्या है कुछ नहीं है, हमारे लोग बड़े पीसफुल, बड़े एकदम सिंपल साधारण आइडिया से बहुत तेज लोग हैं, इसलिए पुलिस से ना ही हमारी लड़ाई है ना ही दुश्मनी, आराम से ना ही पुलिस से दुश्मनी,
है, हमारी दुश्मनी आरएसएस से, हमारी लड़ाई आरएसएस से, हमारे उसके आइडिया से लड़ाई है, उसको हराने की हमें लड़ाई है। पुलिस तो एक छोटा सा प्यादा का रोल प्ले कर रही है और वो कुछ दिन बाद सुधर देगी। क्या हम लोग हमारा आंदोलन तेज रहेगा, जद्दोजहद तेज रहेगी, आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि मिलिट्री लगा दें, बीएसएफ लगा दें, धारा 144 तो लगी हुई ना, नहीं आज के टाइम पे धारा 144 पूरे भारत में लगा रखी है। लेकिन क्या हम लोग शांत बैठ जाएं? ये लोग 144 लगाकर शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग 144 लगाकर देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या हम वो चीज अपनी लड़ाई छोड़ दें? नहीं नहीं, ये इलीगल है, 144 इलीगल। कैंपस के अंदर कभी 144 अलाउड नहीं होती। कैंपस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स और उस आइडिया को प्रमोट किया जाना चाहिए। चुनाव बेहद ही नजदीक है, आपको प्रदर्शन करने नहीं दिया। हमारी लड़ाई चुनाव की नहीं है, हमारी लड़ाई अपने डिग्निटी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इस जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, हमारी लड़ाई महिला को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई दलितों को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई आदिवासियों को बचाने की लड़ाई। तो 144 ये इलेक्शन, ये कैंपेन कुछ नहीं हमारा उगाड़ सकता, हमारा तेज रहे। जो 35 फर्जी बच्चे जो थे जिनके हस्ताक्षर दिखा के डॉक्टर रितु को निकाला गया था, यहाँ दिख रहे हैं कि नहीं वो फर्जी बच्चे थे। बिल्कुल, देखो तभी तो तभी उसमें मोहनशंकर थाने ने जो आज हमको रिटर्न कर रहा है उसने फ्रोजरी का केस लगाया, 420 उसके ऊपर FIR है। हमने आपको बताया पहले से, आपको मीडिया में क्या हुआ है कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर और 420 के अंदर इन तमाम धाराओं के अंदर उस पर केस दायर है। ये हम नहीं बोल रहे, पुलिस ने लगाया इस जो आज हम पर जुलम कर रही है RSS के अमित शाह कहने में, उसने ये FIR दर्ज किया है। अब बताओ, या तो पुलिस वाले गलत हैं, या ये सभी तरह गलत है, या RSS गलत है, कोई तो गलत है। हम तो नहीं है गलत, हमने तो सारे प्रूफ दे दिए, सब कुछ दे दिया। एक बार फिर से अगर आप 8 फैकल्टी गेट ना काम पे बेटी बचाने का बात दावा करती है, देख रहे हो कितनी बेटियां बचा रही है, वही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये जो कैंपेन है इसमें 80% उन्होंने एडवर्टीजमेंट पे यूज किया है सब फंड, इसलिए ये लोग बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, ये लोग बलात्कारी लोग हैं, ये लोग RSS के संगी गुंडे लोग हैं, ये लोग कैंपस के अंदर तमाम महिलाओं को छेड़ते हैं, तमाम महिलाओं के साथ गंदगी करते हैं। यही लोग हैं जो कुलदीप सेंगर जैसे लोग कौन है, ये कौन है, जो महिलाओं के नाम पर आए थे उनको लेके गए। कोई बात नहीं, कोई लेकर गए, उनको वापस बुला लिया जाएगा, वापस बुलाएंगे, छोड़ेंगे। जब बात भी हुई थी SHO से, मेरी बात हुई, मैंने SHO को कहा कि हमें पीस मेंटेन करने दीजिए, लॉ को मेंटेन करिए, आप भी अपनी ड्यूटी कीजिए, हम प्रोटेस्टर्स आएंगे, अपनी मार्च करेंगे और अपने पीसफुल तरीके से अपने हक अधिकार की डिमांड करेंगे। तोड़ फोड़ हुई है, पुलिस ने वही बिल्कुल डिटेन किया है, इसीलिए कोर्ट ने लताड़ा है कि आप रोक नहीं सकते। लगातार यहाँ पे जो ये आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और जो पूरा जो जन आंदोलन आपको एक बार बदलते हुए दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये लोग 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 पे जाने की तैयारी में है, लेकिन लगातार हम आपको आगे दिखा देते हैं, यहाँ पे पहले से ही पुलिस जो है वो तैनात हो चुकी है, वहाँ पे पुलिस की वैन वगैरह सब खड़ी हो चुकी है, क्योंकि 144 धारा के कारण जो है इनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा है हम लोग जाएंगे और जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे, और जो वाइस चांसलर सभी तरह से गिरफ्तार करवा के रही, क्योंकि जो जातिवाद जो है खत्म करना है, वरना ऐसी जो है बहुजनों को सताया जाएगा और बहुजनों को निकाला जाएगा, उनको प्रोफेसर बनने तक का हक नहीं दिया जाएगा। अब देखना ये है कि आगे होता है क्या। बाकी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे जनता।